स्टार्ट। हरेक देश फिर ही एक खुशहाल देश बन सकता है जेकर उस दे लोक तंदुरुस्त होणगे। बीमारी तो रहत लोग ही देश दे चंगे भविख का निर्माण करते हैं। डंडी इन्हां गल्लां नूं पछमी मुल्कां ने समझिया भी है ते अपनाया भी है। डंडी जिस करके ओ अथा तरक्की करदे होए साडे मुल्क नूं पिछे छड के लगातार अगां वल वध रहे हन। डंडी अफसोस साडे मुल्क विच जेड़ियां गल्लां नूं ध्यान विच रख के देश नूं अगे तोरना सी उन्हां नूं हमेशा ही नज़रअंदाज किया गया है अते हुण भी किया जा रहा है। डंडी भावें के देश नूं चलाउण वालियां हाकम धिरां वल्लों देश खुशहाल अते सेहतमंद पिंड ते सेहतमंद राष्ट्र होण दा ढंडोरा पिटिया जांदा है पर ए है सब हकीकत तो दूर ही क्योंकि जिस देश विच खाण पीण वालियां वस्तुआं विच ही वड्डी पद्धर ते मिलावटखोरी दा बोलबाला होवे उत्थे तंदरुस्ती दी बात पाउणा शेख चिल्ली दे सुपने वांग है क्योंकि हरेक व्यक्ति फिर ही तंदरुस्त रह सकता है जेकर ओ मिलावट रहत शुद्ध चीज़ां खावे पीवे। डंडी परंतु अजिहा होना साडे लई एक बहुत वड्डी चुनौती वाला कम बन गया है। डंडी बेईमानी ते पैसे दे लालची लोकां वल्लों अपना मुनाफा कमाउण लई आम लोकां दी सेहत दा जरा भी रेडी स्टार्ट। ध्यान नहीं कीता जांदा है। डंडी जो शरेआम मिलावटखोरी नूं अंजाम दे के लोकां दे अखी कट्टा पाउंदे रहिंदे हन। डंडी जेकर इस पूरे मसले ते नज़रसानी करन वाले सरकारी अधिकारियां दी गल कीती जावे तां ओ भी सिर्फ खाना पूर्ती तक ही सीमित रहिंदे हन। डंडी जदों त्योहारां दा मौसम आउंदा है भाव दुसहरे ते दिवाली दे दिनां दौरान जदों होर भी त्योहार आउंदे हन उदों कुछ दिनां लई सरकार अते अधिकारी सख्त हुंदे दिखदे हन ते मीडिये विच वी रौला रप्पा पैंदा है। डंडी परंतु समा गुजर जान तो बाद फिर परनाला उत्थे दा उत्थे ही हो जांदा है। डंडी बस छापेमारी करन नमूने भरना कुछ नकली समान बरामद करके गोंगलुआं नालों मिट्टी झाड़न दा कम ही वधेरे कीता जांदा है। डंडी उंज ए चैकिंग नू ज़्यादातर भ्रिष्टाचार दा दैंत निगल भी जांदा है। डंडी थोड़े बहुते दिन चलदे इस चैकिंग दे वर्तारे तो ए सवाल जरूर उठदा है कि की मिलावटखोरी सिर्फ त्योहारां मौके ही
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਡੰਡੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਮੀਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਾਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਡੰਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ